मैं लड़का सॉरी जो 10 बजे तक सो रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही होगी। देखो देवता ने हुंकार भरी तो बाबा सुनीता पुत्र श्री श्री 108 शुभम महाराज निद्रा योग से कब उठेंगे प्रभु चिलगोजानंद। अरे पापा यार हम आपके पापा यार हैं। पापा यार पापा, नहीं होते पापा यार। अरे हम आपके पापा नहीं भक्त है गुरुदेव महाराज, भक्त है गुरुवर। अरे यार बाबा छुट्टी है, डीएम ने स्कूल बंद कर दिए, ठंडी की छुट्टी है। डीएम ने छुट्टी करी, बोर्ड तो नहीं कैंसिल कर दिए जो अगले महीने है कि तुम्हारी जगह डीएम जाएगा लिखने पन्नी लेके। कुछ पापा थोड़े कूल भी होते हैं, मतलब बहुत लोगों के पापा मैंने देखे यार, बहुत ज्यादा यू नो समझते हैं, चीजें भी समझते हैं, बच्चों को भी समझते हैं, बट हमारे तो नहीं थे भाई। हमारे पापा तो एकदम मारने वाले पापा थे। Everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मेक जोक ऑफ के न्यू वीडियो पे, जिसका टाइटल है पापा छुट्टी MJ ओ बाय सौरभ शुक्ला। तो सबको पता ही है कि सौरभ शुक्ला जी हैं जो कि इन सारी चीजों के पीछे हैं, एंड मेक जोक ऑफ की जितनी भी वीडियोज होते हैं वो वही डब करते हैं एंड वही लिखते भी हैं, एंड सारी चीजें उनके द्वारा ही की जाती है। तो हम उनके लिए क्लैपिंग कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि बहुत ही कमाल का काम करते हैं। मेक जोक ऑफ के मैंने बहुत सारे वीडियोस पर रिएक्शन कर दिया है ऑलरेडी। अगर आपको मेक जोक ऑफ की वीडियोस अच्छी लगती है तो डेफिनेटली से चैनल पर चेकआउट जरूर से करना, और भी उनके वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, एंड बहुत सारे गानों पे मैं रिएक्शन करती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है गानों पर रिएक्शन तो डेफिनेटली से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन आए जब भी मैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट की वीडियो पर रिएक्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ना, वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड इस तरह की कॉमेडी वीडियोस पे रिएक्शन के ये जरूर से कमेंट करके मुझे और भी वीडियो सजेस्ट करें कि कॉमेडी और कौन सी वीडियोस। मुझे बहुत पसंद है कॉमेडी, मुझे दो चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, एक रैप सॉन्ग एंड एक कॉमेडी वीडियोस। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हंसना एंड हंसाना लोगों को। तो चलो आज की वीडियो में थोड़ा हंस लेते हैं मेरे साथ, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए एंड एंजॉय करिए आज का डे। एंड अगर आपने मेरा ब्लॉग चैनल अभी तक देखा नहीं है तो ये रहा मेरा ब्लॉग चैनल, इसको भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इस पे 1K हो जाता है तो मैं मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ गाइस, मैं बाइक खरीदने वाली हूँ। जी हाँ, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं जो कि मुझे रोज देखते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी मोटो ब्लॉगिंग करूँ आपकी तरह एंड मैं भी आपकी तरह बाइक चलाऊं, आप मुझे देखना चाहते हो बाइक चलाते हुए, तो डेफिनेटली से मुझे 1K करके दो मेरे ब्लॉग चैनल पे, तो मैं फिर स्टार्ट करूंगी, वरना क्या ही फायदा होगा यार, लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर क्या ही मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके तो लेट्स रोल स्टार्ट। ध्यान लगा रहे हैं, जब तक हमारी आंख खुले तब तक हमारा जूता हमको मिल जाना चाहिए। क्या ध्यान ना लगाओ, ढूंढो जो बैठा पलथी मारे, कहाँ उतारा था जूता? हमने कल वहीं उतारा था, हमसे कोई मतलब नहीं, ढूंढ के दीजिए, हमको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा, हमारा ऑडिट लगा आज। एक दिन चप्पल पहन के नहीं जा सकते, जूता 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 कर रहे हैं। चप्पल पहन के ऑफिस? चपरासी है तो चप्पल पहन के जाएंगे ऑफिस? एक जोड़ी और दे दो, कान में लटका चले जाए। तुम्हें कान नहीं है, दूसरी बात लेबर चपरासी की इज्जत करो, नहीं ना होना तो कोई काम नहीं हो सकता है। छोटे आदमी की इज्जत नहीं करता, उसका सत्यानाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। ओ इंस्पिरेशनल लाइन। सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दो माफ कर दो, तुमसे सॉरी, तुम्हें लड़का सॉरी जो 10 बजे तक सो रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही होगी। देखो देवता ने हुंकार भरी तो बाबा सुनीता पुत्र श्री श्री 108 शुभम महाराज निद्रा योग से कब उठेंगे प्रभु चिलगोजानंद। अरे पापा यार हम आपके पापा यार हैं। पापा यार पापा, नहीं होते पापा यार। अरे हम आपके पापा नहीं, भक्त है गुरुदेव महाराज, भक्त है गुरुवर। अरे यार बाबा छुट्टी है, डीएम ने स्कूल बंद कर दिए, ठंडी की छुट्टी है। डीएम ने छुट्टी करी, बोर्ड तो नहीं कैंसिल कर दिए जो अगले महीने है कि तुम्हारी जगह डीएम जाएगा लिखने पन्नी लेके। अरे पढ़ लेंगे, बहुत ठंडी है। ठंडी वंडी कुछ नहीं, तुम डरते हो ठंडी? अरे यार पापा का कैरेक्टर एकदम टू द पॉइंट है भाई। मैं 2 डिग्री टेम्परेचर में नंगा नहा लूं, और नहाया है, नहा के जा रहा हूँ कमाने, अपना कर्तव्य निभाने, तुम सो गधा हो इसे रजैयम पड़े पड़े। कह रहे दस्ताने रख दे, ले जाओगे गर्मी में? ले जाएंगे दस्ताने गर्मी में ले जाएंगे। गुस्सा हो गया, जब टपर टपर पसीना बहेगा तो उसी में भर लेंगे। पापा जी हमारे गुस्सा हो जाए। इस आदमी से कितना कुछ कह लो लेकिन ये इज्जत से बात नहीं कर सकता, क्या बताएं? अरे देवी महारानी माफी माफी, महालक्ष्मी माफ कर दीजिए, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत, साष्टांग दंडवत,
साष्टांग दंडवत। ये क्या? अरे कुछ नहीं है आप, कुछ तो हो रहा है। कुछ हो रहा हो, सुबेरे सुबेरे तो पड़ोसी को चैन से जी लें दो, जाले में रहाइश नहीं मिली, फाट पड़ी हुआ। पैर पड़ रहे थे ना? अरे वो कुछ नहीं हो, वो तो सबके यहाँ होता है। सबके यहाँ नहीं होता भाभी, हमारे यहाँ तो कभी पैर नहीं छुए। लेकिन हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ का रिवाज है, मर्द ऑफिस जाता है, मादा के पैर छूके जाता है। हमारे पिताजी छूके जाते थे, हम छूके जाते हैं, हमारा लड़का जाएगा बहुरिया। क्या बात है, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत हम कर लेंगे, आप क्या लेने आइए, कटोरी काहे के ले आइए, दो इनको जाए, दो इनको जाए। हाँ हमको एक सामान लेनी थी, लेकिन एडवर्टाइज हो गया हो तो आगे का काम किया जाए। एडवर्टाइज हो गया तो उठ गए हमारे देवता। अरे भाई, अरे हटो हटो भाई, राजकुमार उठ गए, हटो, राजकुमार उठ गए, राजकुमार उठ गए, राजकुमार उठ गए। अरे पंखा करो राजकुमार को। पापा का कैरेक्टर क्या किया है भाई, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। फिसल जाओ, आप तुम तो मुंडी ठीक कराते घूमे पूरी ठंडी, फिसल जाओ। यार यार पता नहीं कहाँ ढूंढे डाल रहे हो भाभी। अरे इनका जूता पता नहीं कहाँ रख दिया इन्होंने, नाले में तो नहीं डाल रही है। अरे नाले में डाल रहे हैं, हम 6 महीने का बच्चा है क्या जो नाले में डाल रही है? 6 महीने का बच्चा भी नाले में क्यों डालेगा? ये वीडियो चल रही है, मजाक कर रही हूँ, तुम सौरभ चुप रहो, मजाक कर रही हूँ। आ हाँ है सेल्फ प्रमोशन, फेस रिवील कर ले, आओ फेस रिवील, सौरभ जी का फेस रिवील अभी तक नहीं हुआ है। भाभी क्या बात है, साली तो नहीं चुरा ले गई अपने ऊपर जो कमाल है भाई। आप यहाँ आई किस लिए? एक चीज थी लेनी, इसलिए। जल्दी से वो चीज लेके जाइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? होठों में कीले गड़वा के सूली पे लटक जाऊंगा, लेकिन आपके सामने मुस्कुराऊंगा नहीं। मुस्काओ कौन, बहुत मोती झड़ रहे तुम्हारी मुस्कान से। भाभी हमको चीनी दे, हम जाएं, उनकी मुस्कान देखने नहीं आए थे। हाँ दे रहे हैं। ऐसा है, पहले हमारा जूता ढूंढा जाएगा। अरे भाभी हम बता रहे हैं, नाली में डारियां हुई है, बता नहीं रहा। अरे आप तो पीछे है बढ़ गई एक चीज के। नहीं यार नहीं, 4 बजे से नहीं, वे दोपहर में रखो, 1 बजे से धूप रहेगी मैदान में। नहीं नहीं, बैट नहीं ला पाएंगे हम, बैट रोहित से ले। हाँ ठीक ठीक। वाह, अपॉइंटमेंट हो गया फिक्स, मैदान पड़ेंगे फिक्स। अरे बाप रे बाप, पापा अगले साल छठन में चला जाएगा, कहाँ टाइम मिलेगा, बोर्ड्स रहेंगे। अरे ये क्लास 10 में है, तभी तो बिस्तर सड़ा रहे हैं 10 बजे तक। अरे राम राम, 10 बजे तक क्या होगा देश का भविष्य? क्या क्या होगा, ये लेटा तो है देश का भविष्य, अभी आराम से 12-1 बजे तक उठेगा, फिर बिना नहाए मंजन करेगा, कहो बिना मंजन करे खाना खाए, देश का भविष्य। मसाला थूका ना? मसाला नहीं थूका एकदम, ये किया पिच किया किया डिसअपॉइंटमेंट वाला। डिसअपॉइंटमेंट वाला लुके रघुना था, मात पिता गुरना वही माथा, इनके माथा ही नहीं, नावे क्या, नावे क्या। सो ऐसे यार पापा, डीएम ने छुट्टी करी है, 1-2 दिन सो लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। डीएम ने छुट्टी अच्छा 9 तक करी है, तुम्हारी कहा है कक्षा 9? डीएम का लड़का कक्षा 9 में पढ़ता है, उसने कक्षा 9 तक बंद कर दिए, 10, 11, 12 सब खुले। और आंटी तो सच में, आंटी तो सच में बता, अब तो इसकी केयर नहीं, पापा आज धुलाई कर देंगे, पापा छुट्टी। अच्छा जूता भी मिल गया, अच्छा अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। पापा का जो कैरेक्टर था भाई, अमेजिंग लगा मुझे। सौरभ जी क्या बात है, क्या पकड़ा है आपने पापा का कैरेक्टर, एकदम सेम टू सेम जैसे हमारे थे, हमारे होते हैं, सबके होते हैं, वैसे ही पापा थे। एंड 10th क्लास का बच्चा सो रहा
बाबरे पापा लोग को तो बर्दाश्त नहीं होगा भाई, 10 में पढ़ रहा है और बच्चा सो रहा है, उनको तो मतलब दिन रात दिन रात पढ़ते हुए दिखने चाहिए तुम, ऐसे वाले मतलब हमारे पापा थे। एंड बहुत ही ज्यादा यू नो अमेजिंग लगा है द कॉन्सेप्ट। मुझे पहले लगा कि पापा छुट्टी क्या ही होगा, टाइटल से पता नहीं चल रहा था, बट अब पता चल रहा है, ओहो छुट्टी छुट्टी है। ओके ओके ओके, तो सौरभ जी के लिए मैंने पहले भी क्लैपिंग कर दिया था, एंड शाउट आउट टू सौरभ जी, बहुत ही कमाल का वर्क है उनका। एंड कैसे ये कर लेते मुझे मतलब वही यकीन नहीं आता है, यूपी से है हमारे सौरभ जी एंड इतना अच्छा पकड़ते हैं ना कैरेक्टर्स को, इतना अच्छा मम्मी का कैरेक्टर, पापा का कैरेक्टर, इसमें भी देखा आपने, इवन पड़ोसी का कैरेक्टर, एंड सबकी आवाज़ अलग अलग निकालना एंड सबका एनिमेशन करना एंड ऑल दैट करेक्ट, पापा को पकड़ा है यार। पापा का कैरेक्टर जो है मतलब हर घर में इसी तरह के पापा मिलते हैं एंड हर घर में इस तरह की चीज़ें होती है जो कि उन्होंने जो स्टार्टिंग में बोला, लेकिन कुछ कुछ पापा थोड़े कूल भी होते हैं, मतलब बहुत लोगों के पापा मैंने देखे यार, बहुत ज्यादा यू नो समझते हैं, चीजें भी समझते हैं, बच्चों को भी समझते हैं। हमारे तो नहीं थे भाई, हमारे पापा तो एकदम मारने वाले पापा थे और तुरंत तुरंत मारते भी थे, एंड पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा मार खाया है हम लोगों ने, तो जो भी है मुझे तो काफी ज्यादा इतना ज्यादा रियल था ना पापा का वो कैरेक्टर, जो सर बोला कि अरे भैया जी अभी तो सो रहे हैं, अभी हमारे देश का भविष्य ऐसे ऐसे, ये जो 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 चीजें बोली ना पापा के लिए, वो मतलब एकदम 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 परफेक्ट थी, एकदम एकदम टू द मतलब एकदम वो लग रही थी वो चीजें कि हाँ सच में ये अपने पापा से इंस्पायर होके आए हैं। आप लोग बताओ कमेंट में आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, एंड मेक जोक ऑफ की वीडियोस आपको अगर पसंद होगी तो शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सबके साथ हंसो मजा करो एंजॉय करो। मेरे साथ ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट में बताओ। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।